दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि वायरल टैक्स कैसे पता करें, कैसे पता करें उन टैक्स के बारे में जिन टैक्स को अगर अपने वीडियो के टैक्स में अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमारी वीडियो रैंक करें, नंबर वन पे शो कर जाए, मतलब टॉप सर्चेज में हमारी वीडियो शो करे। वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से वायरल टैक्स पता कर सकते हो और ऐसे ऐसे टैक्स बताऊंगा दोस्तों, अगर इन टैक्स को अगर अपने वीडियो में इंक्लूड करते हो 100% आपका वीडियो रैंक करेगा, आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हो। मैं खुद भी दोस्तों आज मैं अपने वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं पहले उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वायरल टैक्स होते हैं, जो भी उस वीडियो से रिलेटेड टैक्स होते हैं, मैं उनको फाइंड करता हूँ, उनको हर जगह से ढूंढ कर निकाल कर अपने वीडियो में रखता हूँ, तब जाके दोस्तों मेरी वीडियो रैंक करती है। मैं कहाँ से ढूंढता हूँ, कहाँ से निकालता हूँ, कहाँ से आप ढूंढ सकते हो, फ्री में दोस्तों आप ढूंढ सकते हो, ₹1 इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन है, हर एक चीज दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो ज्यादा मन करें स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप देख रहे हो हमारा चैनल स्प्रेडिंग है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखाना चाहता हूँ, सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने अभी वीडियो बनाया था, मैं उसको सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। मैंने ये लेके सर्च किया, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब मैंने ये सर्च किया देख सकते हो कि मेरी वीडियो यहाँ पर नंबर वन पे शो कर रही है, रैंक वन पे शो कर रही है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए पे वन नंबर पे भी शो कर रहा है, ठीक है। कैसे शो कर रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना वीडियो यहाँ पर ओपन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ ओपन कर रहा हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस साइड में देखो, यहाँ पर दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, मतलब ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने अपने लैपटॉप में इंक्लूड कर रखा है। कौन सा है, कैसे मिलेगा, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अभी आप वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका SEO देखो, वीडियो का 93.7 SEO दिखा रहा है, ठीक है। प्लस आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि आप चैनल पर कितने व्यूज आते हैं, कितना डेली एवरेज सब्सक्राइबर कितने आपके आ रहे हैं, आप एक चैनल पर नहीं किसी भी चैनल का आप पता कर सकते हो। प्लस मेरे वीडियो के टैग्स आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि इस वीडियो के जो भी टैग्स है वो कितने रैंक कर रहे हैं, सारे पर देख सकते हो दोस्तों, सब टॉप 5 के अंदर यहाँ पर है जो भी रैंक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1, 1, 2, 2 आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, सारे टैग्स रैंक कर रहे हैं। ये टैग्स मैंने कहाँ से निकाले थे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी वीडियो भी रैंक करेंगे, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर किसी के चैनल का टैग्स भी देख सकते हो, अगर कोई अपने चैनल का चैनल पर क्या टैग्स लिखा है ये भी देख सकते हो, किसी भी चैनल का आप देख सकते हो इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इसको कैसे, इस सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा मैं भी आपको समझा दूंगा, बता भी दूंगा आपको कहां से मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक। ये था दोस्तों एक मेरा वीडियो जो मैंने आपको दिखा था, ठीक है, जो नंबर वन पे था। अभी नंबर टू पे क्यों शो कर रहा है इनका वीडियो, आइए देखते हैं किनका वीडियो है। तो ये वीडियो है हमारे लकी भाई का, ठीक है। इनका वीडियो भी हम देखते हैं कि ये नंबर टू पे शो करता है, नंबर वन पे नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब इनका SEO स्कोर देखते हैं, तो इनका SEO स्कोर है 69.3 स्कोर है 100 में, मेरा 93 के आसपास था, तो ठीक है इनका भी। बट और भी SEO स्कोर अपना बढ़ा सकते थे अगर और अच्छे से टैक्स रैंक कराते तो, ठीक है। बट इनका भी आप देख सकते हो कि इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर आते हैं डेली, कितना व्यूज हर चीज़ दिखा रहा है इनके चैनल पे। दोस्तों देखो यहाँ पर टैक्स रैंक कर रहे हैं, कुछ ही रैंक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप दूसरों के चैनल का भी टैक्स देख सकते हो, दूसरे के वीडियो पे क्या टैक्स रैंक कर रहा है। अब अगर आप इसकी तरह वीडियो बनाओगे तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे नंबर वन नंबर टू पे शो कर आप वही टैक्स लोगे, ठीक है। उस टैक्स पे आप क्लिक किए, जब दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा 2020, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका सर्च बहुत कम है, बट नीचे वाले का सर्च ज़्यादा है। जिसका सर्च ज़्यादा दोस्तों उसी को हमें इंक्लूड करना है अपने वीडियो के अंदर। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, अच्छे समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी चलिए मैं आपके सामने एक वीडियो अगर सामने मुझे बनाना है, यही वीडियो जो आप देख रहे हो यही मुझे बनाना है, तो मैं बना रहा हूँ कि वायरल टैक्स कैसे पता करें, मुझे ये वीडियो बनाना है जो वीडियो आप ये देख रहे हो, ये वीडियो यही है, ठीक है, कैसे पता करें। चलिए हमने लिख के सर्च किया तो हमें यहाँ पर मनोज भाई का एक वीडियो शो कर गया वायरल टैक्स कैसे पता करें, इन्होंने पहले बना रखा है बट मुझे भी बनाना है, तो अब क्या करेंगे। अब देखिए मैं इनका वीडियो ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि इनके चैनल यहाँ पर शो करने लगे साइड में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका SEO स्कोर कितना यहाँ पे 81 दिखा रहा है 100 में, ठीक। प्लस नीचे आए, अब मुझे अगर इस टाइटल पे वीडियो बनाना है तो जाहिर सी बात है मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए। इनके वीडियो में दोस्तों हम क्या देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि इनके वीडियो पर कौन से टैग्स रैंक कर रहे हैं, जो टैग रैंक कर रहे हैं हमको वही टैग्स लेने हैं यहाँ से, ठीक है। अब देख सकते दोस्तों यहाँ पर जो टैग रैंक कर रहा है, अब जो टैग रैंक कर रहा है उस पर क्लिक करके हम चेक करेंगे कि इसका सर्चेस कितना है, ठीक है। चलिए इस पर हम क्लिक किए, यूट्यूब टैग्स वायरल टैग्स पर हमने क्लिक किया, तो वायरल टैग का सर्च तो मुश्किल से बस 2000 के आसपास है, और बाकी जो भी टैक्स यहाँ पर है जो भी लिखे नीचे लेके आ रहे हैं उसका भी सर्चेस बहुत कम ही है, तो ये उतना अच्छा नहीं है। चलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा सर्च करते हैं, दूसरा सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि YouTube टैक्स जो लिखा है इसका सर्च इतना ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है YouTube टैक्स, इसको तो अपने टैक्स में हमको हर हाल में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सर्चेस बहुत ज़्यादा था YouTube टैक्स। और यहाँ मनोज भाई ने भी यहाँ पर रखा है YouTube टैक्स, इन्होंने भी रखा है, मतलब इन्होंने भी सर्च किया बढ़िया से, ठीक है। तो YouTube टैक्स इन्होंने देखे रखा है, यहाँ पे सर्चेस भी बहुत ज्यादा है, तो YouTube टैक्स तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मुझे YouTube टैक्स तो रखना ही पड़ेगा, मनोज भाई ने भी YouTube टैक्स यहाँ पर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें भी YouTube टैक्स यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सर्च है अगर आपका टाइटल ये है तो, ठीक है। नीचे एक और वीडियो शो कर रहा है जो कि सेकंड रैंक पे है, अजय भाई का वीडियो है ये, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इनके वीडियो पर जो टैक्स रैंक कर रहे हैं वो कुछ यहाँ पे 3 टैक्स रैंक कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर है, लेकिन एक है यहाँ पे 2 नंबर पर यहाँ पर रैंक कर रहा है जिसका नाम है वायरल टैक्स कैसे पता करें। ये
टैग्स इनके वीडियो पर रैंक कर रहा है, चाहे तो हम ये टैग्स भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका सर्च कितना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो वायरल टैग्स ऐसे पता करेगा जो सर्च लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, 2,500 के आसपास है, ठीक है। बट नीचे जो भी दे रहा है इसका भी कमी है, तो ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि हम वो कीवर्ड उठाएं जिसका सर्चेस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। एक तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि वायरल टैग्स पर यूट्यूब का सर्च कितना यहाँ पर शो कर रहा है, काफ़ी कम ही सर्च है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टैग रैंक भी इनका काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है, मतलब कम नहीं शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हम चाहते हैं जितना कम रहेगा उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर आप जाओगे 3 डॉट्स पर, यहाँ पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर एक आएगा कीवर्ड इंस्पेक्टर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों हम किसी भी मतलब कीवर्ड का पता कर सकते हैं कि उसका सर्चेस कितना आता है। जो कीवर्ड्स का सर्चेस ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है हमको उस वही कीवर्ड चाहिए। चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हमको यूट्यूब टैग्स से रिलेटेड हमको कीवर्ड चाहिए, तो हमने लिखा यहाँ पे यूट्यूब टैग्स लिख के सर्च कर दिया। आप देख सकते दोस्तों यूट्यूब टैग्स का सर्च इतना ज़्यादा यहाँ पे सर्च है बाकी कंपेरिजन में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यूट्यूब टैग्स टू गेट व्यूज़ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब सर्चेस है, बाकी सब पे कम है। ऐसा क्यों? मतलब YouTube टैग्स फॉर व्यूज़ पर, YouTube टैग्स टू गेट व्यूज़ पर थोड़ा ज़्यादा सर्चेज आ रहे हैं, ठीक है, बाकी पे कम आ रहे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि ऐसा है क्या कि YouTube टैग्स लिखते ही YouTube टैग्स टू गेट व्यूज़ आ रहा है क्या लिखा हुआ, अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमने जैसे यहाँ पे लिखे हम YouTube टैग्स, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूट्यूब टैग्स हमने लिखा यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यूट्यूब खुद ही शो कर रहा है कि यूट्यूब टैग्स टू गेट व्यूज़ लिखा हुआ शो कर रहा, मतलब नीचे शो कर रहा है यूट्यूब टैग्स लिखते ही। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यूट्यूब टैग्स टू गेट व्यूज़ का सर्चेस ज़्यादा होगा। जैसे ये लोग YouTube टैग्स लिखेंगे, YouTube टैग्स टू गेट व्यूज़ लिखा हुआ जा रहा था, लोग उस पर क्लिक कर दे रहेंगे तो उसका सर्चेस ज़्यादा आ गया। इसलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे YouTube टैग्स टू गेट व्यूज़ का सर्चेस यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा है। तो अगर हम इसको जरूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसका सर्चेस ज़्यादा है, यहाँ से हम पता कर लिए और जाके आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि हाँ इसका सर्चेस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं दोस्तों। और वायरल टैग्स कैसे पता करें इसका देख लेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों YouTube टैग्स वाला ही सर्चेस ज़्यादा है। जिसका सर्चेस ज़्यादा होगा उन सबको लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी को हम इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए हम चलते हैं आपका चैनल, समझ लीजिए कि कुकिंग का आपका चैनल है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे चिकन बिरयानी, ठीक है। चिकन बिरयानी पे आपको एक वीडियो बनाना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, चिकन बिरयानी लिखिए। चिकन बिरयानी में जो भी टॉप नंबर 1 पे शो कर रहा है उस वीडियो को हम ओपन करते हैं और दोस्तों इसका देखते हैं SEO स्कोर कितना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका SEO स्कोर अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर 98.1 इनका SEO स्कोर है 100, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से SEO किया है। ऊपर से यार चिकन बिरयानी है तो हर कैटेगरी के लोग इसको देख सकते हैं इस टाइप की वीडियोस, तो जाहिर सी बात है कि इस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका SEO स्कोर भी इतना अच्छा है और इनके सारे टैग्स रैंक कर रहे हैं। अगर आप भी फूड से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, चिकन बिरयानी पर अगर आप वीडियो बनाओगे तो ये टैग्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरल टैग्स है, ये वो टैग्स है जिसको लोग लिख के सर्च करते हैं और इस बंदे ने उसको इंक्लूड कर रखा है, इसके वीडियो नंबर 1 पे शो कर रहा है। तो जो भी वीडियो नंबर 1 पे शो करेगा आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो चिकन बिरयानी हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कितना सर्चेज है यहाँ पे, 3-3 लाख सर्च है दोस्तों। चिकन बिरयानी भी 3 लाख सर्च है यहाँ पर, आप भी अपने कीवर्ड पे देख सकते हो कितना सर्च है और इन्होंने इंक्लूड भी कर रखा है चिकन बिरयानी और नंबर #1 पे यहाँ पे शो कर रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर चिकन बिरयानी रेसिपी हमने लिखा तो दोस्तों यहाँ पर भी इतने सर्च है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कीवर्ड पे कितना ज़्यादा सर्च है। जिस कीवर्ड पे जितना ज़्यादा सर्च हो उन सारे कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है, उन सारे कीवर्ड को आपको लिख कर रखना है, इन सारे कीवर्ड दोस्तों आपको टैग्स बनाना है, भूलिएगा मत। आप यहाँ से इसको पता कर सकते हो इसी एप्लीकेशन से। ये तो हो गया एक ऐसा तरीका जो कि आप दूसरों का वीडियो ओपन करो, उनके देखो उनका कौन सा टैग रैंक कर रहा है, वहाँ से उनके टैग्स को आप लेकर कॉपी करके अपने वीडियो के टैग्स में डाल सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों आपको बताता हूँ वो क्या है, वो आपको यूट्यूब खुद ही आपको सजेस्ट करेगा। कैसे? आपको जो भी टाइटल आप वीडियो बनाना चाहते हो उस टाइटल को बस आप यहाँ पर लिख दो, YouTube खुद ही नीचे सजेस्ट कर देता है। जो भी जो नीचे आप कीवर्ड सजेस्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, ये सब ये जो भी सजेस्ट हो रहे हैं ये भी आप चाहो तो इसका आप टैग्स बना सकते हो, अपने डिस्क्रिप्शन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ये दोनों दोस्तों वायरल टैग्स आप इससे पता कर सकते हो 100%। अगर आप इसने इसको इंक्लूड कर लिया आपका वीडियो रैंक करेगा ही करेगा, आप खुद भी इस एप्लीकेशन से भी आप सर्च कर सकते हो। अब रही बात यार ये एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ, मतलब ये एक्सटेंशन हम कैसे डाउनलोड करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इस एक्सटेंशन को यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, फ्री में मिलेगा, 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना यहाँ से, ठीक है। चलिए मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब समझ लिया, आपको गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको यहाँ पर लिख देना है vidIQ एक्सटेंशन फॉर क्रोम, आप ये लिख के सर्च कर दीजिए। जैसे आप नीचे करेंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप देख लीजिएगा आपके सामने कुछ इस टाइप का लिखा हुआ जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर आएगा विजिट वेबसाइट, आपको वेबसाइट में यहाँ पर विजिट कर लेना है। जैसे आप वेबसाइट में यहाँ पर जाओगे दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड एक्सटेंशन, बस डाउनलोड एक्सटेंशन आपको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एक्सटेंशन, ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है, बस आप इसको यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर दीजिए, ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ, ऐड एक्सटेंशन हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये क्रोम पे ऐड हो गया। अब दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इसे ओपन करोगे, ये आपके सामने कुछ वीडियोज आ जाएगा। अगर आपको एक्सटेंशन को सही से आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा आप यहाँ से देख के सीख सकते हो, vidIQ का वीडियो है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हम चलते दोस्तों उसी वीडियो पर जहाँ पर हम पहले थे, ठीक है।
हम यहाँ पर गए इस वीडियो पर गए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बीड आइकन लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे साइन इन विद गूगल लिखा है, आपको साइन इन करना है। आपका जो चैनल है जरूरी नहीं है आप अपने चैनल से साइन इन करो, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी ईमेल आईडी से दोस्तों आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी हो तो। मैं मान लो मेरे पास कोई ईमेल आईडी दूसरा है, मैं दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसी ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे साइन इन कर लिया हूँ। तो आप देख सकते दोस्तों मैं साइन इन कर लिया। अब यहाँ पर मैं फिर कोई वीडियो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। चलिए आप जो भी वीडियो है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ रिफ्रेश किया। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि फिर से इस वीडियो पर साइड में यहाँ पर शो करेगा, शो करने लगा दोस्तों, आप देख सकते हो सारा यहाँ पे शो करने लगा। आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि सब कुछ शो कर रहा है, मतलब ये फ्री में काम करता है ये एक्सटेंशन। आप फ्री में आप इसको गूगल से आप ऐड कर लो अपने क्रोम ब्राउजर पे। ऐड करने के बाद से आप जाओ जिस भी टाइटल से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है उनका वीडियो ओपन करो, जो भी वीडियो टॉप पर रैंक शो कर रही होगी, टॉप पर होंगी, उन सब का आप टैक्स देख लो, उनका टैक्स जो भी रैंक कर रहा होगा, जो टॉप 10 के अंदर टैक्स होंगे, उन सारे टैक्स को लो, कॉपी करो, अपने वीडियो में इंक्लूड कर दो, वीडियो अपलोड करो, आपका वीडियो 100% यहाँ से रैंक करता हुआ शो कर जाएगा। प्लस बहुत सी कुछ यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से देख सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं था दोस्तों, आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आया, आपको बताना चाह रहा था कि आप भी आराम से इसे सिंपली आप अपना सर्च कर सकते हो, अपने वायरल टैक्स को पता कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार। इसी तरह के दोस्तों बहुत से वीडियो अपलोड है दोस्तों हमारे यूट्यूबर हेल्प में, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देखो और अपने चैनल को ग्रो करो। मिलता है आपसे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।